तो दोस्तों फाइनली रियलमी एक्स को आज भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस रखी गई है 16,999 रुपए। और इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन के 710 का प्रोसेसर, तभी जाकर ये स्मार्टफोन कम्पीट कर पाएगी रेडमी के K20 के साथ। तो दोस्तों आप में से काफी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे कि इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दोनों स्मार्टफोन का फुल कंपैरिजन करके बताने वाला हूं। और दोस्तों मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्रोज और कॉन्स दोनों को लेकर ही बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रियलमी एक्स की। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड स्क्रीन, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और आपको कोई भी यहाँ पर नॉच देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही छोटे छोटे चिन्ह देखने को मिलते हैं ऊपर की तरफ और थोड़े से बड़े चिन्ह देखने को मिलती है नीचे की तरफ। और अगर वही बात करें दोस्तों रेडमी की K20 की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है 6.39 इंच की एक सुपर एमोलेड स्क्रीन। तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है, तो आपको दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले से कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। अगर वही बात करें दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की कैमरे की, तो यहाँ पर आपको Realme X में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सोनी के IMX471 का सेंसर, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेंसर है और बहुत ही अच्छी सेल्फीज देता है। अगर वही बात करें Redmi की K20 की, तो यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि ये भी आता है पॉपअप सेल्फी कैमरे के साथ। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कौन सा सेंसर देखने को मिलता है। मैं आपको अगर डेफिनेटली बताऊं तो यहाँ पर Realme X की जो सेल्फी होगी वो मच बेटर होगी Redmi के K20 से, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो बहुत ही बेहतरीन है। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर Redmi की K20 में एक एडवांटेज है, इसका जब पॉपअप सेल्फी कैमरा जब ऊपर आता है तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन लाइटिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है पब्लिक को। दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। और मैं आपको बता दूं कि Realme X का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो Redmi के K20 से थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की बैक साइड की, तो Realme X में आपको देखने को मिलता है एक प्लास्टिक बॉडी जो कि ग्लोसी ग्रेडियंट फिनिश के साथ आती है। और यहाँ पर आपको Redmi के K20 में देखने को मिलता है एक ग्लास बैक का सपोर्ट, जो कि कोर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो दोस्तों मैं अगर सही बतलाऊं तो आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लुक और डिजाइन और बहुत ही अच्छी फील मिलने वाली है Redmi के K20 में। बट फिर भी दोस्तों मैं आपको एक यहाँ पर एडवांटेज बता देता हूँ Realme X की, तो यहाँ पर आपका जो ये प्लास्टिक बॉडी है इसमें आपको ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बट यहाँ पर Redmi के K20 का ग्लास अगर ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही भद्दा लगेगा देखने में। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सा लुक ज्यादा पसंद आता है, एक प्लास्टिक बॉडी या एक ग्लास बैग। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन की बैक साइड की कैमरे की, तो यहाँ पर Realme X में देखने को मिलने वाला है डुअल रियर कैमरा, इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल के सोनी के IMX586 वाला सेंसर, और उसके साथ ही यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। पर दोस्तों यहाँ भी Redmi K20 बाजी मार जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है ट्रिपल रियर कैमरा, जिसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का सोनी के IMX582 का सेंसर, और उसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों Redmi के K20 और Realme X में अगर देखा जाए कैमरे में, तो बैक साइड के कैमरे में Redmi K20 बाजी मार जाता है और आपको बहुत ही अच्छा कैमरा प्रोवाइड कराता है, क्योंकि दोस्तों अब ट्रिपल रियर कैमरा का टाइम आ गया है और आपको हर स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है। जैसे कि आपको यहाँ पर वीवो के Z1 Pro में भी 15,000 में ट्रिपल रियर कैमरा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो मुझे पता नहीं कि Realme X में डुअल रियर कैमरा क्यों दिया गया है कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन की मेन फीचर्स की, जो इसका प्रोसेसर। तो दोस्तों यहाँ पर Realme X में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के 710 का प्रोसेसर, जो कि 1 ईयर ओल्ड प्रोसेसर है। और यहाँ पर Redmi के K20 में आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन के 730 का प्रोसेसर, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है, और आपको Redmi का K20 का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बट यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं उसकी प्राइसिंग भी ज्यादा होने वाली है इस प्रोसेसर की वजह से। इसलिए यहाँ पर आपको Redmi के K20 में डेली यूजेस एंड गेमिंग में आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर Realme X में भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, बट Redmi K20 का परफॉर्मेंस Realme X के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की सॉफ्टवेयर की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको Realme X में देखने को मिलता है कलर ओवे 6, जो कि एंड्रॉइड पाई के साथ आता है, और आपको यहाँ पर Redmi की K20 में देखने को मिलता है EMUI 10, जो कि एंड्रॉइड पाई के साथ आता है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मामले में Redmi K20 काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको EMUI का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी शानदार है। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो दोस्तों यहाँ पर Realme X की जो बेस वेरिएंट होने वाली है
4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइसिंग रखी गई है स्टार्टिंग 16,999 रुपए। अगर वही बात करें अदर हैंड रेडमी के K20 की, तो यहाँ पर जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस होने वाली है बेस वेरिएंट की, वो चाइना की प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो 20,200 रुपीज है। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की जो बेस वेरिएंट है उन दोनों में काफी डिफरेंस है प्रोसेसर और परफॉर्मेंस को लेकर। अब देखते हैं दोस्तों इस स्मार्टफोन को जब इंडिया में लॉन्च किया जाएगा तो क्या प्राइसिंग रहने वाली है रेडमी की K20 की। अगर इस स्मार्टफोन को 18,000 रुपीज के करीबन अगर इंडिया में लॉन्च किया जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों रेडमी का K20 एक बेटर स्मार्टफोन होगा आपके लिए। तो दोस्तों आपका क्या कहना है रियलमी एक्स और रेडमी K20 के बारे में, आप कौन सा स्मार्टफोन परचेस करने जा रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फाइनली दोस्तों आई होप आपका कंफ्यूजन काफी दूर हो गया होगा इस कंपैरिजन को देख के। अगर सच में आपका डाउट दूर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।